क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी मॉम? हाँ, हमें कहानी सुनाओ। ठीक है, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाती हूँ। ये लिटिल रेड राइडिंग हुड एक दिन बाहर गई। आहा, आहा। वो जा रही थी दूर अपने नानी के घर। आहा, आहा। अंधेरे जंगल से जा रही थी वो जल्दी जल्दी नानी से मिलने को। आहा, आहा, आहा। एक खतरनाक भेड़िया आया सामने। आहा, आहा। उसने हैट उठाकर पूछा, कैसी हो तुम? आहा, आहा। उसने कहा, मेरी नानी बीमार सी है, मैं कुकीज ले जा रही हूँ ठीक करने के लिए। आहा, कहा लिटिल रेड राइडिंग हुड ने, मुझे दौड़ना चाहिए। आहा, आहा। लगता है 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। आहा, आहा। उसने कहा, अच्छे दिन, और वो चली गई। लेकिन भेड़िया जानता था छोटा एक रास्ता। आहा, आहा, आहा। वो बड़ा भेड़िया नानी के घर आया। आहा, और नानी बेचारी अकेली थी। आहा, आहा। नानी अलमारी में बैठो, उस भेड़िए ने कहा, फिर कपड़े पहने उसने और बिस्तर पे कूद गया। आहा, आहा, आहा। फिर आई लिटिल रेड राइडिंग हुड। नानी जितनी जल्दी हो सकता था मैं आई। आहा, आहा। भेड़िए ने कहा, ये यहाँ। लेकिन छोटी लड़की जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। आहा, आहा, आहा। नानी आपके कितने बड़े बड़े कान हैं। आहा, आहा। नानी आपके कितनी बड़ी बड़ी आँखें। आहा, आहा। नानी आपके कितने बड़े बड़े दांत हैं। भेड़िए ने कहा, हमारे साथ खाने के लिए बेहतर है। आहा, आहा, आहा। मदर, चलाया लिटिल रेड राइडिंग हुड। आहा, आहा। एक शिकारी आया भाग के जो जंगल में था। आहा, आहा। शिकारी ने पकड़ लिया, बोरे में डाल दिया, फिर वो भेड़िया कभी वापस नहीं आया। आहा, आहा, आहा। अब हम सुरक्षित हैं नानी, छोटी बच्ची ने कहा। आहा, आहा। और दादी को वापस बिस्तर पे लाया। आहा, आहा। फिर खुशी खुशी उन्होंने कुकीज खाई, और ये थी हमारी कहानी। आहा।